एनएसयूआई के साइड में रखा श्री नीरज कुंदन जी, हमारे वरिष्ठ साथी भूतपूर्व मंत्री और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारी शैलजा जी, अलका लांबा जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण और यहाँ आज देश के सभी प्रांतों से इकट्ठे हुए एनएसयूआई के मेरे साथियों, मैं आपको और नीरज कुंदन जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इस ऐतिहासिक दिवस पर उन्होंने बहुत शानदार ये पहल की है यहाँ आज सरकार को चुनौती देने की कि जो करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हो रहे हैं, करोड़ों नौजवान जो प्रति वर्ष देश में डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनके लिए आप नौकरी का प्रावधान कीजिए, उनको नौकरी दीजिए। इस सरकार ने 6 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले जब सत्ता संभाली थी तो लोगों को एक वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल इसके विपरीत हुआ है। पिछले वर्ष 2.5 करोड़ नौजवान जो किसी भी तरह की नौकरी पे कहीं थे वो बेरोजगार हो गए, और जैसे अलका जी ने कहा था ये सरकार को एक आदत हो गई है सब बात पे अपनी पीठ को थपथपाना, लोगों के साथ कुछ भी गुजर रहा हो, लोगों की कोई भी हालात हो, लोग किसी भी तंगी में हो, मुश्किल में हो, ये सरकार उसको समझती नहीं, उसको पहचानती नहीं, बस अपने ही रंग में रहते हैं, अपने ही गुणगान करते रहते हैं और कहते हैं कि हम देश की तरक्की कर रहे हैं, एक आधुनिक भारत, एक नया भारत बनाने का, एक निर्माण करने का लगे हुए हैं। ये बिल्कुल आज के दिन नौजवानों के साथ एक धोखा है। लोग आपने कॉलेजेस खोल रखे हैं, यूनिवर्सिटी हैं, लाखों लाखों रुपए लोग देके वहां डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उस डिग्री के बाद 10,000 की नौकरी भी उनको उपलब्ध नहीं होती, और आने वाले दिनों में ये हालात और बिगड़ने वाली है, क्योंकि सरकार की एक जो बुनियादी एक मौलिक जिम्मेदारी होती है सरकार उसे भाग रही है। सरकार हमेशा कांग्रेस की सरकारें खासतौर पर इस बात पे एक प्रण लेती थी कि हमने इतने नौजवानों को नई नौकरियां देनी है, उनको ये एम्प्लॉयमेंट के साधन मुहैया करवाने हैं। आज वो उस वक्त जो उस श्रृंखला में काम हो रहा था वो हजारों की गिनती में पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए गए पूरे देश भर में अलग अलग तरह के, आज उनका निजीकरण किया जा रहा है, वो अपने कुछ चहेते लोगों के हाथों में सौंपे जा रहे हैं, और कल को आपका अधिकार नहीं रहेगा कि आप वहां जाके नौकरी के लिए कोई मांग कर सके, उन लोगों के हाथ में हो जाएगा कि नौजवानों को वो कितनों को कहां रखते हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे छंटनी होनी शुरू हो जाएगी, और जो हालात है देश में रोजगार की वो बद से बेहतर हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आज ने आपने जब ये एक आज यहाँ ये पहल करके यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे मालूम हुआ है, मुझे बताया गया था कि आपका प्लान तो पार्लियामेंट के सामने जाके वहां प्रदर्शन करने का था, उसको दोहराव करने का। लोकतंत्र में एक वादक बात होती है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 वर्षों के बाद एक चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब 5 वर्षों के दौरान एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, एक आपके पास अधिकार इकट्ठे होके अपनी बात कहने का वो होता है, वो यहाँ आज छिन चुके हैं। आज से लोकतंत्र वो चुनाव तक महदूद रह गया है, और वो लोकतंत्र की क्या धज्जियां उड़ रही हैं वो सब जानते हैं। बहुत बाहर के सर्वे बड़े बड़े हुए हैं, ये अपनी तरफ से अपनों का उदाहरण देते रहते हैं, हमें शर्म है इस बात की कि एक फ्रीडम हाउस के एक सर्वे में तो ये कहा गया है कि हिंदुस्तान एक पार्टली फ्री स्टेट है,
ये पूरा एक आजाद, एक स्वतंत्र देश आज नहीं है। इंसान के पास वो स्वतंत्रता नहीं है जो होनी चाहिए स्वतंत्र देश में। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी का मतलब अंग्रेज के शासकों को भगाकर बुरे शासक बिठा देना नहीं। आजादी का मतलब होगा जब वो सही साम्राज्य होगा, एक एक नौजवान को रोजगार होगा, अपने काम में लगे होंगे देश के निर्माण के लिए। आज ऐसा नहीं हो रहा। आज लोगों की आशाओं पे पानी फिर रहा है। आज आप उदाहरण के तौर पे एक आपके सामने बिल्कुल दिल्ली के बाहर हमारे बॉर्डर पे किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। आप में बहुत किसान परिवारों से हैं कि आज वो देश की अन्न जितने की जरूरत होती है, किसी वक्त कमी होती थी, आज हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सरप्लस है हमारे पास। लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ आज जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनको क्या क्या संज्ञा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या उनको बोला जा रहा है, उससे लगता है क्या आज हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, क्या आज हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए आज चुनौती नौजवानों को बहुत बड़ी है। आज नौजवान जब कहते हैं कि हमें रोजगार दो, अगर नहीं तो हमारी डिग्री वापस ले, वो डिग्री का मतलब क्या है अगर आप उसको उसके साथ एक नौकरी मजबूरी से नहीं मिलता? क्या एक MBA वाला, क्या एक जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो उसको सिर्फ 10,000 की नौकरी मिलनी चाहिए? आज ये हालात इस सरकार ने की है, और इसकी एक नीति जिसका जिक्र मैंने किया है, फिर उसको दोहरा रहा हूँ, इनकी निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की नीति के कारण ये और बढ़ता जा रहा है। आज नौजवानों को आपने जो लीडरशिप उनको दी है, आज ये पूरे हिंदुस्तान में आपको फैलना होगा। पूरे हिंदुस्तान में आपको नौजवानों को गठित करके, नौजवानों के अधिकार क्या हैं, और शिक्षा में आप एक नजर चुरा के देखिए, शिक्षा की तरफ भी उसको भी प्राइवेटाइज हो रहा है। बड़े बड़े लोगों के हाथ में बड़े इंस्टीट्यूट वो आ रहे हैं। ये सरकार समझती है कि ये हमारी जिम्मेदारियां ही नहीं, हमारी तो जिम्मेदारी है कुछ लोगों के साथ अपना एक संघ बनाए रखो, उनसे प्रेम रखो और अपने काम अपने सरकार में छाए रहो। बस जो कहते हैं कि गवर्नेंस, गवर्नेंस के नाम की आज चीज खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इसलिए मैं आपको जब बधाई देता हूँ, आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी के दिखाए इस मार्गदर्शन पर, हम उनके दिखाए इस रास्ते पर जो उन्होंने नौजवानों के लिए आवाज उठाई है हर वक्त, उस पर चलते रहें और अपने संघर्ष भी हो रहे। मुझे विश्वास से मालूम है, मुझे वहीं पास है सरकार का बिल्कुल इस वक्त, उनके काम पे गूंज में नहीं रहेंगे, लेकिन आज फिर भी जो जरूरत है, सरकार ये बहरी गूंगी हो चुकी है, ये सरकार अंधी हो चुकी है, लेकिन हमें अपनी जगह पे अपने संघर्ष पे रहने की जरूरत है, और कामयाबी जरूर एक दिन होगी। आप जिस तरह से इकट्ठे होके आए हैं, ये कामयाबी आपके चरण छुएगी। सरकारें बदलती रहती हैं, और जब लोग ये देख रहे हैं एक अथ हो रही है किसी चीज की, तो एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है जब, तो लोग अपने आप सब समझते हैं। आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने नौजवानों को, इन्होंने व्यापारियों को, इन्होंने किसानों को, इन्होंने मुलाजम को, जो सरकारी मुलाजम है, उन सभी के साथ एक धोखा किया है, उनको ठगा है सरकार ने, ऐसी हालात उन्होंने की है, तो आवाज लोगों की उठनी शुरू हुई है। अच्छा होगा ये सरकार अपने लिए ही सही आज उस आवाज को सुन ले, आज लोगों की भावनाओं को समझ ले, और एक रास्ता अपना ठीक करके आने वाले जो 3 साल और हैं उनके, उसमें अच्छा काम करती रहे, ताकि हम भी वो कहें कि हमने आपने किया है। अपने शब्दों के साथ मैं नीरज जी आपको और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के शानदार प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।